नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम अखबारों की सुर्खियां और मैं हूं आपके साथ प्रश्नता। अखबारों की सुर्खियों में हर रोज हम उन तमाम सुर्खियों पर चर्चा करते हैं जो अखबारों की हेडलाइंस होती है, लेकिन वो हेडलाइंस क्यों बनी, उनके पीछे की असल खबर क्या है, असल मुद्दा क्या है, उस पर विश्लेषण करते हैं, चर्चा करते हैं और असल खबर तक जानने की कोशिश करते हैं। तो आज भी अखबारों की सुर्खियों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय कराते हैं। इंदौर से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ी हुई है भावना शुक्ला जी, मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े भीम सिंह मीणा जी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ कि अब जो गाइडलाइंस आई है, नहीं पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि 15 जुलाई तक नई गाइडलाइन आ सकती है, लेकिन उसके पहले ही अब बंदिशों से पर्दा उठ चुका है। रेस्टोरेंट पूरी क्षमता के साथ खोले जाएंगे, वहीं शादियों में 100 लोगों को अनुमति दे दी गई है शामिल होने की। इसके बाद देखें तो बाजार रात 10 बजे तक खुल सकते हैं, सिनेमा घर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। भीम सिंह जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से कल जगन्नाथ की जो रथ यात्रा हमने देखी उसमें परमिशन नहीं थी, उसके बावजूद लाखों लोगों की भीड़ हमने देखी, उस दौरान गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ, वहीं ये नई गाइडलाइंस आई है जहां अनलॉक में और जो पाबंदियां थी वो भी हटा दी गई है। जी, दरअसल इसके लिए सरकार की तरफ से जो उदाहरण पेश किए जाते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। जी, सबसे पहले जब आप ये कह रहे हैं कि हम गाइडलाइन बना रहे हैं और आपको इसको पालन करना है चाहे जितनी भी फीस दी हो, कोरोना खत्म होने के बाद में पॉलिटिकल पार्टियों ने जिस तरह से प्रोग्राम किए, बैठकें की जी, तो आम आदमी के मन में हमेशा एक बात जाती है कि जब आप कर सकते तो हम क्यों नहीं। बिल्कुल। और जहां पर आस्था का मामला आ जाता है फिर वहां पर कोई परवाह नहीं करता। आपने देखा होगा कि पूरे कोरोना काल में कई बार ऐसे उदाहरण हमारे सामने आए हैं जब लोगों ने कोरोना को खत्म करने के लिए आस्था का इस्तेमाल किया, दवाइयों का इस्तेमाल किया, झाड़ फूक का इस्तेमाल किया, तो लोग के मन में आस्था के प्रति अलग ही भाव होता है। न केवल आस्था, केवल जगन्नाथ रथ यात्रा की बात नहीं करें, तमाम तीज त्योहारों में अब लोग खुलकर निकल रहे हैं, बाजारों में 100% भीड़ है, जरूरत के हिसाब से सारे लोग जा रहे हैं, और कहीं पर भी ये नहीं लग रहा है कि हमने 1.5 महीने पहले तक एक बहुत ही मुश्किल वक्त झेला है। बिल्कुल। ये असर अब कम दिखाई दे रहा है और इसका एकमात्र कारण ये है कि जब राजनीतिक दल कोई आयोजन करते हैं तो हर बार वो उदाहरण बनते हैं। मैंने देखा केंद्र में इस मामले में बहुत संयम बरता जाता है, चाहे प्रधानमंत्री की बैठक हो चाहे अन्य बैठकें हों, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग भी नजर आती है। बिल्कुल। उनमें एक जो उनकी गाइडलाइन है उसका असर साफ दिखाई देता है, लेकिन मध्य प्रदेश की अभी बात करें तो यहाँ पर अभी जब प्रभारी मंत्री बने हैं मध्य प्रदेश सरकार के और वो अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, किस कदर भीड़ उमड़ रही है, लोग घेर रहे हैं वहां पर, और कभी भी मंत्रियों की तरफ से, विधायकों की तरफ से या सरकार की तरफ से ये नहीं कहा जाता कि पॉलिटिकल पार्टियां संयम बरते हैं या जनप्रतिनिधि संयम बरते हैं। वो जो संयम टूटता है तो फिर वो आम जनता मैसेज जाता है और यही कारण है। अब ये जो नया निर्णय आया है कि सिनेमाघर 50% क्षमता के साथ खोलेंगे, ठीक है सिनेमाघर बंद थे 50% क्षमता के साथ खोलेंगे, ये बात सही है और होना भी चाहिए, खुलना भी चाहिए, लेकिन बाकी चीजें लगभग सब ओपन हो चुकी हैं और केवल मॉल्स में या जो जगह जहां पर नियंत्रण आप कर सकते हैं या सीसीटीवी कैमरा है वहां इसका थोड़ा सा पालन दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी बाजारों में और अन्य जगहों पर इसका कोई पालन नहीं है। शादियों के लिए भी 100 की क्षमता के साथ में आपने अनुमति देकर रखी पहले से ही है, वो किसी भी शादी में आप चले जाइए 100 से लगभग दोगुनी संख्या दिखाई देती है, मिलती है। बिल्कुल। प्रशासनिक अधिकारी नहीं जाते हैं क्योंकि आने वाले समय में मध्य प्रदेश के अंदर नगर निगम के चुनाव है और सरकार किसी भी आम नागरिक को नाराज नहीं करना चाहती, उनका पूरा गणित वोट से जुड़ा होता है, इसलिए खुद भी पार्टियां कर रहे हैं और लोगों को भी अवसर दे रहे हैं। इसके बाद में थर्ड वेरियंट की बात भी हो रही है कि डेल्टा आ रहा है, हमारे सामने मुश्किल आने वाली है, ऑक्सीजन की भी तैयारी हो रही है, तो ये जो कथनी और करनी में अंतर होता है इसी कारण मुश्किल आती है। पिछली बार भी यही हुआ, लॉकडाउन लगाया, बार बार ये कहा गया कि सेकेंड वेव आएगी, विदेशों में ये स्थिति बनी भी, लेकिन भारत में कड़ाई से जो पालन करने की बात दिखाई देनी चाहिए। भाई आपने ये साबित कर दिया कि आप करा सकते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा वक्त मिलता है, अब पीएम ने कहा है कि हमारे 44 जिलों में कोई भी पॉजिटिव पेशेंट नहीं है, ठीक है ना, कम से कम लगातार मैसेज आप देते रहिए, आप अपने लोगों को बोलिए संयम बरतें, कम से कम आपको बोलने का अवसर रहेगा, आपके लोग संयम नहीं बरतेंगे तो निश्चित तौर पे आम नागरिक के मन में ये बात जाएगी। अभी धार्मिक और सामाजिक आयोजनों पर पूरी तरह रोक लगाकर रखी हुई है,
धार्मिक और सामाजिक पर आपने रोक लगा दी, राजनीतिक दल पर रोक क्यों नहीं है? वो तो ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं ना, उसमें क्या आवश्यकता फूल माला पहनाने की? भाई बैठकें करनी है आपको, दूसरे काम करना है, ट्रांसफर करना है, आप जाइए, आपको सारे काम ऑनलाइन आपने कर दिए, उसमें क्या आवश्यकता है कि जाए प्रभारी मंत्री वहां बैठक करे, कलेक्टर के साथ जाए बैठक करे? लेकिन आप अपना पूरा तामझाम कर रहे हैं, आपको केवल जगन्नाथ रथ यात्रा पर रोक लगानी है, आपको अन्य चीजों पर लगानी है, इसीलिए लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। भावना जी आपका क्या कहना है? देखिए अभी सरकार ने ये चीजें खोली नहीं है, आप सिनेमा हॉल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये गौर करना है कि आज ही और पिछले एक दो दिनों से भी आईएमए ने भी चेतावनी दी है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने साफ कहा है कि तीसरी लहर के हम नजदीक पहुंच चुके हैं और ऐसे समय में हम अनलॉक करते जा रहे हैं। पिछली बार भी हमने परिणाम देखे इन चीजों के, इतनी त्रासदी सही जनता ने, और एक बार जब आप किसी चीज को अनलॉक करते हैं तो उसके बाद में जनता का कंट्रोल आपके ऊपर नहीं रहता है। पर्यटन स्थल खोले गए, मसूरी की बात हो, हिमाचल की बात हो, वहां पे अब आप उसके बाद आदेश जारी कर रहे हैं कि इतने आइए, इस तरह से आप नियमों का पालन करिए। तो एक बार अनलॉक कर देने के बाद में जनता को चैनलाइज किस तरह से करेंगे ये आपके हाथ से छूटता जाता है, और ऐसी स्थिति में खोल देना, इधर एक तरफ आपके डेटा कहते हैं कि बहुत कम हो रहे हैं संक्रमण, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो खाली 18 ही एक्टिव, मतलब जो 24 घंटे में केस दर्ज किए गए हैं वो आ रहे हैं 18 ऐसे में। लेकिन हमें ये बात भी नहीं भूलना चाहिए, जब शुरुआत हुई थी कोरोना की तो केस 2 थे 4 थे 5 से बढ़कर हजारों की तादाद में पहुंच गए थे। तो ये संक्रमण की बीमारी है, कम होने पर हम निश्चिंत रूप से ये राहत ले सकते हैं कि हमारे पास मेडिकल फैसिलिटी है जिससे कि हम इलाज करवा सकते हैं, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि इस तरह का संक्रमण नहीं फैलेगा। और आप खोलकर एक तरह से खुद निमंत्रण दे रहे हैं, न्योता दे रहे हैं इन चीजों का कि आप इस बीमारी को और बढ़ाएंगे, उसके बावजूद जबकि मेडिकल एसोसिएशन इस बात की चेतावनी दे रहा है। कई बार सरकार के ही दूसरे संगठन होते हैं या संस्थाएं होती है जिनके द्वारा जो दिए जाते हैं, ICMR कह रहा है कि अब तीसरी लहर की संभावना बहुत कम है, चिंता की इतनी अधिक बात नहीं है। दूसरी तरफ मेडिकल एसोसिएशन की यह बात सामने आती है कि हम इसके मुहाने पर खड़े हुए हैं तीसरी लहर के। तो सीधी बात यह है कि अति आवश्यक जो सेवाएं हैं आज भी हमें उन्हीं को बरकरार रखना है। जहां तक रोजगार कारोबार की बातें हैं उसके विकल्प पर ढूंढना होंगे और एक संयमित रूप से चीजों को या जितने भी संस्थान है उनको खोलना होगा। बिल्कुल भीम सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरह से बाजार में जो पाबंदियां थी अब और उनको हटा दिया गया है, अब जिस तरह से बाजार और ज्यादा खुलने वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से भावना जी ने संस्था की बात करी, लगातार निजी स्कूलों की हड़ताल जारी है, उनका कहना है कि सब बाजार खोले जा रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, तो निजी स्कूल क्यों बंद है? स्कूल को लेकर थोड़ा सा अलग मामला है, पेरेंट्स भी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है कि बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। स्कूल एसोसिएशन और जो हड़ताल उन्होंने की है, जो एक दिन का ऑनलाइन क्लास बंद करी है, उसमें बहुत भ्रमपूर्ण बातें आ रही है। मैं उसमें बहुत क्लियर बताना चाहता हूं कि दो तरह के स्कूल हैं, एक वो है जो राइट टू एजुकेशन के बच्चों को एडमिशन देते हैं जिनकी फीस सरकार ने नहीं दी है इसलिए वो हड़ताल कर रहे हैं, दूसरे वो स्कूल हैं CBSE, अगर मैं भोपाल की बात करूं तो कम से कम 100+ स्कूल होंगे CBSE जिनको बराबर फीस मिल रही ऑनलाइन क्लास के बावजूद। लेकिन मुद्दा इसलिए बनाया जा रहा है कि ये जो फीस बढ़ाई गई कोरोना लॉकडाउन के दौरान, पूरी फीस वसूल की गई है, जब हाईकोर्ट ने ये कहा था कि आपको फीस सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन की लेना है, इसके बावजूद पूरी फीस ली गई है। तो उस बात को जब पेरेंट्स ने उठाया और बीच में घटनाक्रम होता है इंदर सिंह परमार के यहाँ, जब लोग गए और उन्होंने कहा मरना है तो मर जाओ, तो मुद्दा तूल पकड़ गया पूरे मध्य प्रदेश में। एक बात ये गई कि सरकार जो है पेरेंट्स के साथ नहीं खड़ी, आप देखिए उसके बाद ही ये पूरा हड़ताल का मामला उठता है। तो कहीं ना कहीं ये स्कूल का जो मामला है, जो हड़ताल का मामला है, इसके पीछे बहुत अलग कारण है। राइट टू एजुकेशन का मामला पहले भी था, स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, जब आपका बच्चा, आपका पेरेंट्स यदि तैयार नहीं है तो स्कूल आप कैसे खोलेंगे? लेकिन पेरेंट्स की बात को दबाने के लिए स्कूल एसोसिएशन ने नया पैतरा अपनाया है, जिसकी वजह से लोग भी चुप रहे, सरकार भी दबाव में रहे
और ये भी कहने को हो जाए कि साहब हम तो स्कूल खुलवाना चाह रहे हैं, तो बात जबकि दूसरी है। दूसरी बात, आज यदि स्कूल खोल भी देते हैं, थर्ड वेरिएंट की बात कर रहे हैं, तो हम को ये बात मानना पड़ेगी, भले ही थर्ड वेरिएंट नहीं आए, थर्ड वेव ना आए, इसके बावजूद हमको इस बात को मानकर चलना पड़ेगा कि तीसरी वेव आ सकती है और उसकी तैयारियां करनी है। कम से कम एक साल तक स्कूल खोलने की स्थिति में सरकार नहीं है, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते। आपने पहली बार ली, परिणाम दूसरी बार देखा, हमने कितनों को खोया है। सबसे बड़ी बात, हमारे पास में स्वास्थ्य की उतनी व्यवस्थाएं नहीं है, आप परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, लेकिन आपको रैंडमली कुछ चीजों को तैयार करके रखना पड़ेगा। आपकी मॉक ड्रिल होना चाहिए ताकि आप जो है समय पड़ने पर लोगों को इलाज दे सकें। आपके पास में डॉक्टर नहीं थे, आपके पास नर्स नहीं थे, रातों रात अस्पताल खुल गए, रातों रात अस्पताल बंद हो गए, तो उन अस्पतालों में क्या इलाज चला, केवल एक बेड डाल दिया गया, जो लोगों से पैसा वसूला जा रहा था उस पर संयम नहीं था। तो ये तमाम दिक्कतें थी, और ऐसे में यदि बच्चों के बीच में तीसरी लहर फैलती है तो वो लहर किस कदर बढ़ेगी इसका अंदाजा भी हम और आप नहीं लगा सकते। हाँ, कॉलेज जरूर शुरू किया है, सबसे बड़े होते हैं बच्चे, समझते हैं चीजों को, 18+ हैं, उनको वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन 12th के नीचे के बच्चों को स्कूल लाना बहुत ज्यादा ज्यादा, आप 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चों को आप जिस तरह से पिछले साल किया था एक दिन छोड़कर, तो वो कर सकते हैं, लेकिन पूरे बच्चों को स्कूल बुलाना, मुझे लगता है कि यदि ऐसा करते हैं दबाव में आकर तो सरकार का गलत निर्णय होगा। दूसरी बात, स्कूल एसोसिएशन की जो हड़ताल है वो निश्चित तौर पे पेरेंट्स की फीस वाली बात को दबाने के लिए की गई है, इसके अलावा मुझे ये कोई मुद्दा नहीं लगता। खैर, आगे देखते हैं सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है, और जिस तरह से मांगे निजी स्कूल कर रहे हैं। भावना जी, इंदौर में भी कई स्कूलों ने कल हड़ताल की, ऑनलाइन क्लासेस बंद की, बच्चे भी परेशान हुए, अभिभावक संघ ने भी चेतावनी दी अगर इस तरह से निजी स्कूल मनमानी करेंगे तो हम हाईकोर्ट तक जाएंगे। ये हमें यहाँ सबसे पहले ये देखना है, स्कूल संचालकों ने एकाएक अपने आंदोलन को तेज किया है, उनके तेवर बदल गए हैं। कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री ने यह बात कही थी, इसको ज्यादा समय नहीं हुआ है मुख्यमंत्री की इस बात को कहे हुए कि स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकते हैं। बिल्कुल, इस बात से नाराज है, सीधी बात है, ये एक प्रेशर टैक्टिक्स अपनाई जा रही है क्योंकि उनकी फीस के स्ट्रक्चर में किसी भी तरह से कमी ना आए, और यहाँ पर कह दिया जाएगा कि हम तो स्कूल खोलना चाह रहे हैं। जाहिर सी बात है, आप किस कीमत पे स्कूल को खोलना चाहते हैं? बच्चों की जान देकर खोलना चाहेंगे यहाँ पर, उस समय में जबकि कह रहे हैं कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों का है, तो क्या आपका ये सिर्फ पैसा रह गया है? कई ऐसे हम देखते हैं यहाँ पर व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनको कहा जाता है कि ये सहायता के लिए किए जा रहे हैं, समाज सेवा के नाम पर किए जा रहे हैं, अंडर सेक्शन 80 बहुत सारी सुविधाएं ली जाती है क्योंकि नॉन प्रॉफिट है ये, समाज कल्याण की बातें करते हैं इस तरह के संगठन, लेकिन जैसे ही फीस का मामला आ जाता है इनके तेवर बदल जाते हैं। तो आखिर क्या कारण है इस चीज का? और ऐसे समय में आप जान को जोखिम में डालने के लिए, हाई कोर्ट में मामला इसके पहले भी गया था और तब भी ये बात कह दी गई थी कि ट्यूशन फीस से ज्यादा नहीं ली जा सकती है। बिल्कुल, इतना ही नहीं, कई स्कूल के पालकों ने, जब मैं स्टोरी करती हूँ तो मुझसे संपर्क करते हैं और बताते हैं कि ट्यूशन फीस को बढ़ा दिया गया है और उसमें एक तरह से वही सारे इंक्लूजन उन्होंने कर दिए हैं, बिल्डिंग का भी आ जाता है उसमें, लाइब्रेरी कहो या और भी चीजें इंक्लूड कर दी जाती है। तो एक तरह से सिर्फ ये एक फीस के स्ट्रक्चर में किसी तरह से फर्क ना पड़े, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, उसमें बहुत कम स्टूडेंट्स ने अभी एडमिशन लिया, इसको लेकर कभी संचालकों ने आवाज नहीं उठाई है। निश्चित ही सरकार को एक रास्ता निकालना चाहिए, और क्या कुछ जिस तरह से निजी स्कूल यहाँ पर मनमानी कर रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए। खैर, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिस तरह से भीम सिंह जी, सीएम शिवराज सिंह चौहान कल दिल्ली पहुंचे, केंद्रीय मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की और सिंधिया से भी उन्होंने मुलाकात की, और अब ये कहा जा रहा है कि शिवराज सिंधिया की मुलाकात से उम्मीदों की उड़ान है। जिस तरह से हमने देखा, सिंधिया ने भी अपना पदभार संभालते ही मध्य प्रदेश के लिए 8 नई फ्लाइट्स की सौगात उन्होंने दी है, एक्शन में वो नजर आए हैं। जी देखिए, सिंधिया परिवार का एक बहुत अच्छा इतिहास ये रहा है कि जब भी उन्होंने जिम्मेदारी केंद्र में संभाली तो उसका फायदा मध्य प्रदेश को मिला है। जी, चाहे हम रेलवे लाइन की बात करें, चाहे स्टेडियम की बात करें, सिंधिया का एक बड़ा एंगल होता है, वो एक बड़ा सोचते हैं और मध्य प्रदेश को कोई बड़ी सौगात देने की बात करते हैं, और यही कारण है कि उनका एक अपना ही अलग ट्रेंड है, अलग तरीका है और अलग पॉपुलैरिटी भी है।
निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में फ्लाइट की कनेक्टिविटी को लेकर लंबे समय से दिक्कतें चल रही थी। बार बार ये मांग की जा रही थी कि सीधी कनेक्टिविटी अलग अलग जगहों पर होनी चाहिए, और इस बात को लेकर कमलनाथ सरकार जब थी तो उन्होंने प्रयास भी किए थे। और भोपाल की बात करूं तो कई सारी फ्लाइट यहाँ पर कनेक्ट भी हुई थी। इंदौर में हालांकि बहुत सारी फ्लाइट पहले से हैं क्योंकि वहां पर नेशनल लेवल के ट्रैवलिंग ज्यादा होती है, पर भोपाल में ये दिक्कत थी। और ग्वालियर या अन्य जगहों की हम बात करें, अभी जैसे वैक्सीनेशन में बात करूं तो जबलपुर में सीधी फ्लाइट नहीं होने की वजह से भोपाल वैक्सीन आती थी और यहाँ से फिर जबलपुर भेजी जाती थी, तो एक अच्छा कदम है। अब हम बात करें राजनीतिक दृष्टिकोण से तो सिंधिया की अपनी पॉपुलरिटी है और उसी पॉपुलरिटी को साथ में लेकर वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। भाजपा के अंदर उनके समर्थक आज भी उसी तरीके से व्यवहार करते हैं जैसे वो कांग्रेस में करते थे। आज भी भाजपा के अंदर दो भाजपा, एक सिंधिया भाजपा और एक भाजपा, तो सिंधिया समर्थक और भाजपा समर्थक दोनों के बीच में वो तालमेल कब तक बनेगा ये पता नहीं। जैसे कल की एक घटना बता रहा हूँ कि एक जगह प्रभुराम चौधरी, अरविंद भदौरिया और रामपाल सिंह राजपूत एक कार्यक्रम में गए थे और वहां पर स्वागत को लेकर जो नए भाजपाई जो कांग्रेस से आए उनके बीच और पुराने भाजपाइयों के बीच में झगड़ा भी हुआ, विवाद भी हुआ और थोड़ी सी तीखी नोकझोंक भी हुई। तो ये दृश्य बार बार देखते हैं। लेकिन सिंधिया और जो ऊपर के नेता है शिवराज जी हो चाहे ये लोग, ये समन्वय से काम करने में यकीन रखते हैं कि उनको मालूम है बड़ा मैसेज इनके माध्यम से जाता है। यदि यह राजनीति कुछ अच्छे परिणाम दे पाती मध्य प्रदेश को तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि अगले 2.5 साल केवल इस बात पर निकल जाते हैं, खींचतान पर निकल जाते हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। क्योंकि हम पहले से ही 2 साल तक कोरोना के कारण मध्य प्रदेश को पीछे जाता हुआ देख चुके हैं। लगातार कर्ज लिए जा रहे हैं, लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है बढ़ोतरी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अन्य चीजें खिसक रही है। एजुकेशन पूरी तरह डाउन हो गया। रोजगार की बात करें तो बहुत लगभग 33 लाख लोग अभी तक पंजीयन करा चुके हैं और एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि कोरोना के दौरान 22% बेरोजगारी बढ़ी है। तो ये जो तमाम बातें हैं इसको लेकर यदि अगले 2.5 साल काम करेंगे तो निश्चित तौर पर भाजपा को भी फायदा मिलेगा और सबसे बड़ी बात मध्य प्रदेश को फायदा मिलेगा। तो ये होना चाहिए। राजनीतिक दृश्य और देखने को मिलेंगे। नई टीम आने की वजह से भाजपा में बहुत सारी चीजें बदली हैं और शिवराज सिंह चौहान तो खैर माने ही जाते हैं, बहुत व्यवहार कुशल नेता हैं। वो अपने छोटे बड़े सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। वो सिंधिया का अपना एक आभा मंडल है तो उनको साथ लेकर चल रहे हैं और अब चूंकि केंद्र में मंत्री भी है तो प्रोटोकॉल भी कहता है कि हाँ भाई दोनों की आपस में मुलाकात होनी चाहिए और प्रदेश के मंत्री हैं तो यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं, इसके लिए शिवराज जी प्रयास करेंगे। तो एक अच्छा सेंटम्स है यदि कुछ नया होता है। भावना जी, जिस तरह से भीम सिंह जी ने कहा कि मध्य प्रदेश की स्थिति किस तरह से अच्छी चीज मिलती है, कोई सौगात मिलती है तो वो स्वागत योग्य है, मगर साथ में ये बात भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी महाकौशल से अगर कोई केंद्र में मंत्री बना है, मालवा से बना है, तो उस क्षेत्र विशेष का फायदा ज्यादा हुआ है बनिस्पत प्रदेश के दूसरे जिलों के लिए। तो वहां जहां पर वाकई और वाजिब जरूरत है जी, फ्लाइट की बात करें या रेलवे की करें, तो वहां पर भी दी जानी चाहिए। उम्मीद के लिए अगर मालवा से बनते हैं तो इंदौर का बहुत ज्यादा विकास हो जाता है, ग्वालियर चंबल रीजन पीछे रह जाता है, और ग्वालियर चंबल से अगर बनते हैं मंत्री केंद्र में तो मालवा को उपेक्षित किया जाता है, ऐसा अनुमान देखा गया है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार प्रदेश के सभी हिस्सों में वहां की जरूरत को देखते हुए इस तरह के निर्णय लिए जाएंगे। और जहां तक फ्लाइट्स की बात है तो एयरलाइंस कंपनियां कभी भी घाटे में नहीं चलाती है, तो दूरगामी भी सोच रखना पड़ेगी क्योंकि उनके पास अगर लोड फैक्टर रहेगा तभी इस तरह की फ्लाइट्स हो या गतिविधि हो वो सस्टेन कर पाएगी, कोई भी घाटे में नहीं चलाएगी। तो अगर वहां पे सस्टेन कर रही है उतना उनको लोड फैक्टर या बिजनेस मिल रहा है तो वो आगे तक भी संभव हो पाएगी। यकीनन प्रदेश को सौगात मिलना अच्छी बात है, भले वो किसी भी क्षेत्र में मिली हो, किसी भी रीजन को है। और जहां तक बात है मुख्यमंत्री और सिंधिया की मुलाकात का, तो प्रोटोकॉल के तहत भी है और राजनीतिक मायने उसके यही हो सकते हैं कि पिछले दिनों जो राजनीतिक उठापटक हुई थी प्रदेश में, कई महत्वाकांक्षी है जो कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और यहाँ पर अभी सब कुछ थोड़ा सा शांत नजर आता है। केंद्र में सुना है कि एक फटकार मिली थी सबको उसके बाद से, तो जो स्वाभाविक है और बहुत ज्यादा जरूरी भी है कि अभी स्थायित्व यहाँ पर बरकरार रहे, आपसी मेल से ही चीजें संभव है, तो सबको साथ कर चलना ही पड़ेगा, सबके पास इसके अलावा ऑप्शन है नहीं। बिल्कुल।
बिल्कुल, जिस तरह से भीम सिंह जी ने भी कहा कि अगले जो 2.5 साल है, जिस तरह से कोरोना में मध्य प्रदेश की स्थिति, पूरे देश की स्थिति जो बिगड़ी है, आर्थिक हालात बिगड़े हैं, वो मध्य प्रदेश की बात करें तो इन मुलाकातों से यही अनुमान लगाया जा सकते हैं कि अगले 2.5 साल अब मध्य प्रदेश की स्थिति को सुधारने में अगर सरकार काम करती है तो निश्चित है उसका फायदा सरकार को जरूर मिलेगा, भाजपा को जरूर मिलेगा। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, भावना जी, भीम सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो अखबारों की सुर्खियों में हमने तमाम सुर्खियों पर चर्चा की, नई गाइडलाइंस आ चुकी है, अनलॉक में जो पाबंदियां थी उसको भी अब कम कर दिया गया है, सिनेमा घरों को अब 50% क्षमता से खोल सकेंगे, रेस्टोरेंट पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे, इसके बाद कई और गाइडलाइंस आई है, बाजार 10 बजे तक खुल सकेंगे। लेकिन लगातार ये भी अपील की जा रही है और साधन न्यूज भी यही अपील करता है कि जो गाइडलाइंस है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, उसको कोई भी ना भूले, कोई लापरवाही ना बरती जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए साधन न्यूज के साथ।